हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ बिलीफ के बारे में, विश्वास। क्या होता है कि जो हमको चाहिए उसके ऊपर हमारा विश्वास होगा तो वो मिलेगा, हमारा यदि विश्वास नहीं है तो नहीं मिलेगा। नेपोलियन हिल ने एक बार बोला है कि वट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव यू विल अचीव। आपका माइंड, आपका मन जिसको जन्म देगा और जिसके ऊपर विश्वास करेगा वो आपको मिल जाएगा। और किसी ने बोला है कि इफ यू थिंक यू कैन यू विल, इफ यू थिंक यू कैन नॉट यू विल नॉट, बोथ वेज यू आर राइट। यदि आपको ऐसा लगता है, यदि आपका ऐसा विश्वास है कि आप वो कर सकते हैं तो आप कर सकेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे। आप दोनों बाजू सही है। तो आपको क्या चाहिए वो देखो और आपका उसके ऊपर विश्वास पक्का होना चाहिए। यदि आपका विश्वास ही नहीं है, आपका खुद का विश्वास नहीं है तो आपको मिलेगा नहीं। मगर हमको क्या चाहिए ये हम ना सोचते हुए, लोग हमारे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं वैसा हम बिहेव करते हैं कि लोगों को क्या चाहिए मेरे से। अब लोगों को क्या चाहिए, लोगों को तो बहुत कुछ चाहिए और लोगों को तो बहुत कुछ नहीं चाहिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसा हम करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लोगों ने कुछ भी, मतलब वो ने बोला कि मैंने कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए, लोग क्या बोलेंगे। मैंने क्या खाना चाहिए, लोग क्या बोलेंगे। मैंने कौन सी नौकरी करना चाहिए, लोग क्या बोलेंगे। तो मैंने मेरा कंट्रोल लोगों के हाथ में दिया तो फिर तो मेरा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। ये दुनिया में कोई भी चीज़ सही नहीं है और कोई भी चीज़ गलत नहीं है। आपको क्या लगता है उसके ऊपर है। लाइक नथिंग नथिंग अंडर द सन इज गुड और बैड। ये सूरज के नीचे कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं है। नथिंग अंडर द सन इज गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, अच्छी या बुरी नहीं है, या सही और गलत नहीं है। इट इज योर व्यू टूवर्ड्स इट दैट मेक्स इट सो। आपका दृष्टिकोण कैसा है उसके तरफ देखने का, आपका बिलीव कैसा है, वहां से वो वैसी हो जाएगी। तो कोई भी चीज सही नहीं है, गलत नहीं है, कोई भी चीज सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है। आप उसको किस नज़र से देखते हो, आपका विश्वास क्या है, वहां से वो चीज़ अच्छी या बुरी बनती है। मगर हम क्या करते हैं कि लोगों के नज़र से हम अपने आप को देखते रहते हैं और वहां से लोग हमको जैसा कंट्रोल कर रहे हैं ऐसा समझ के वहां से हम हमारा बर्ताव करते रहते हैं। मैं हरदम बोलता हूं कि देखो, जो लोग आपके बारे में कुछ कहते हैं तो उनको कितना मान सम्मान देना, वो जो विचार है उनके, उनको कितना मान सम्मान देना वो आपने को सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो बिजी लोग हैं, बहुत ही बिजी है, कार्यमग्न लोग हैं, जो बहुत बड़े लोग हैं, वो इतना बिजी और इतने बड़े हैं कि उनको आपके बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं है। जो बहुत ही चिल्लर रिकामे रोग है कि जो टाइम पास कर रहे हैं और जो गॉसिपिंग कर रहे हैं आपके बारे में, तो वो कुछ भी बोलेंगे तो भी आपको जरूरत नहीं कि उनके तरफ आपने ख्याल देना चाहिए, क्योंकि उनका विचार इतना महत्व का है नहीं। आप इसमें मग्न है कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं और लोग उसमें व्यस्त है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो लोग क्या सोच रहे हैं वो सोचो ही मत, लोगों को क्या चाहिए वो सोचो ही मत, आपको क्या चाहिए। क्योंकि लोग तो कुछ भी बोलते, वो गधे की कहानी और बाप बेटी की कहानी आपको मालूम है कि एक बाप और बेटा वो एक गधा खरीदते हैं शहर से और अपने गांव की तरफ आते रहते हैं। तो गधा चल रहा है, दोनों बाप बेटे भी चल रहे हैं पैदल, तो कुछ लोग उनको मिलते हैं, बोले कैसे एड़े लोग हैं, ये गधे के ऊपर बैठ सकता ना कोई व्यक्ति और चल सकता है, गधा तो खाली वैसे ही चल रहा है अकेला अकेला, कैसे एड़े लोग हैं। तो वो सुन के फिर उसका जो पिताजी रहता है, बाप रहता है, वो बोलता मैं बैठ बैठता हूँ गधे के ऊपर, वो बैठ जाता है। फिर आगे जाते हैं दूसरा देहात,
आता है, वो देहात में के लोग बोलते हैं कि कैसा बाप है, अपने बच्चे को पैदल चला रहा है, खुद गधे के ऊपर बैठा हुआ है। तो वो सुन के उसको लगता है कि नहीं, मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने मेरे बच्चे को गधे के ऊपर बिठाना चाहिए। वो उतर जाता, गधा बैठ जाता। फिर कुछ समय बाद में और देहात आता है, वहाँ देहात के लोग उनको मिलते, बोले कैसा लड़का है, बूढ़ा बाप है, उसको पैदल चला रहा है और खुद घोड़े के ऊपर बैठ रहा है। फिर वो भी उतर जाता है। मतलब लोग तो कैसा भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, तो लोग क्या बोलते हैं, इसमें अपना टाइम, इसमें अपना समय खराब मत करो, क्योंकि लोग अपना समय खराब कर रहे हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपका कौन सा विश्वास है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, वो यदि आप डिसाइड करते हैं, आपके अंतर्मन की आवाज़ क्या बोलती है, आपको क्या चाहत है, वो आपने एक बार डिसाइड किया, आप पूरा उसके ऊपर कूद जाओ, अपना 100% नहीं, 110% दो, 1001% उसमें दो, पूरी कृति करो, फोकस रखो, आपको जो भी चाहिए वो जरूर मिल जाएगा। ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे कि वो सक्सेस के लिए तड़पते होंगे, सक्सेस मिलता नहीं होगा, और ये जो भी मैंने बताया पॉइंट इसमें अटके होंगे। आप जरूर ये वीडियो उनको शेयर कीजिएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।